बालाघाट में भी चक्रवाती तूफान ताऊते का असर देखा गया। तूफान के कारण बारिश और तेज हवा से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, तो इस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। घटना परसवाड़ा जनपद के ग्राम फतेहपुर की है, जहां मृतक के भांजे गणेश भलावी के मुताबिक बुधवार को उसके मामा मोहपत सिंह अपने बेटों संतोष और अर्जुन के साथ छत ढकने के लिए मकान के ऊपर चढ़े थे। संतोष और अर्जुन नीचे उतर चुके थे, जबकि मामा मोहपत सिंह छत पर त्रिपाल ढक रहे थे। तभी उन पर आकाशीय बिजली गिरी, वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक बेटा घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में भर्ती कराया गया है। तहसीलदार नितिन चौधरी ने बताया कि कुछ गांवों में भी बिजली गिरने की जानकारी मिली है। इस हादसे में मृतक के परिजनों को 4 लाख की सहायता दी जाएगी। घटना ये हुई थी, उनके घर पे कबीले वाले नहीं था, तो लोग पन्नी लगाने के लिए घर के ऊपर चढ़े हुए थे, तो पन्नी चढ़ा के मतलब उतर रहे थे नीचे, पन्नी में बिजली गिरा और वो घर के ऊपर से नीचे गिर गया। ऐसे है क्या? तो क्या फिर क्या हुआ? फिर उनको क्या हुआ, नीचे लाए, थोड़ा देखे, उसके बाद एक साथ को कॉल किए, आने में गाड़ी देर हो गई, तब तक वो निकल गया। उसमें घर में आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक मोहपत कुमरे आयु लगभग 45 वर्ष व्यक्ति का निधन हो गया है। उसकी PSPM कराया जा चुका है जी, और उसके साथ उसका बेटा भी था जो भी घायल हुआ है, जिसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में चल रहा है। सर और क्षेत्र में कहाँ कहाँ कुछ? इसके अलावा कोंडी में भी 3 मकान की छत उड़ने की जानकारी प्राप्त हुई है जी, और बघोली में भी, जिसके संबंध में संबंधित हल्का पटवारी को सूचित किया जा चुका है और हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन पंचनामे की कार्रवाई भी की जा चुकी है।